दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला के 6वें दिन श्री गोरक्षपीठ की अद्वितीय अगुवाई में शैक्षिक क्रांति विषयक संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय से छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर दक्षिणेश रवि शंकर सिंह, प्राचार्य प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर संतोषी सिंह, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान माला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद वक्ताओं ने श्री गोरक्षनाथ की अद्वितीय अगुवाई में शैक्षिक क्रांति विषय पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि शैक्षिक क्रांति में गोरखपुर की पहचान गोरक्षपीठ की अहम भूमिका रही है। यहाँ के महंत बाबा अवैधनाथ ब्रह्मलीन बाबा दिग्विजयनाथ के बाद अब गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस शैक्षिक क्रांति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक और महापुरुष राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज गद्दी पर आसीन हैं बने, और एक और केवल एक बार अगर एक लाइन और एक वाक्य और एक शब्द में अवैधनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व का वर्णन किया जाए तो वो समरस समाज के अग्रगुरु, जहां के भी भेदभाव अगर किसी का छोटा रहा चाहे उनके मंदिर में चाहे मंदिर के बाहर कम करके वो पहले खड़े होते थे। कोई भी भारतवर्ष का हिंदू सनातनी धर्म का प्रचारक शायद ही किसी डोम के घर साधु संन्यासियों के साथ भोजन किया। ये राष्ट्र संत रविन्द्रनाथ जी महाराज का फिर एक बार मैं फिर कहूंगा हठ योग की यही देन है कि हमेशा विपरीत परिस्थितियों में कार्य करता है। जहां कोई नहीं जाता है वहां हठ योग के संचालक या हठ योग के मानने वाले योगी वहां पहुंचते हैं। राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज ने जो महाराणा प्रताप सिंह चौपड़ द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं को पुष्पित पल्लवित किया, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उनका अनुकरणीय काम है, समर्थ समाज के लिए जब आदमी की तबीयत खराब होती है तो कोई देवी देवता याद नहीं आता, तब वो दर्द दिया कि कहां दर्द होगा। ये उस समरस समरस भावना को महसूस करने की जो भावना थी राष्ट्र संत रविन्द्रनाथ जी महाराज ने वो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़ाया बढ़ाते इतनी व्यापी हो गई इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ते हैं आप नहीं समझते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत वर्ष में कोई एक परिषद इतनी बड़ी नहीं है जहां पे इतने कॉलेज एक साथ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक स्तर में भी पारंपरिक शिक्षा, वेद की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, योग की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा एक जगह संस्कृत महाविद्यालय है आपका श्रीपीठ में, पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में पहला पॉलिटेक्निक था प्राइवेट सेक्टर का, वो इसी गोरक्षपीठ द्वारा शुरू किया गया। अब जब वर्तमान महाराज जी आते हैं कम हुआ क्योंकि इस समय का समय है, महाराज जी हमेशा ये मना करते हैं कि हमारे बारे में बात नहीं किया जाए कहीं पे, लेकिन मैं ये बात आपके सामने जरूर करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता नहीं कहां से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस पीठ के चौखट पे सर और मत्था रखने का, ये मेरे पूर्व जन्म का कोई कर्म है। जब ये बात आई अब अगला पड़ाव महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का क्या है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है, अब 63 वर्ष की निरंतर साधना में अग्रसर है, आप सभी लोगों को शिक्षा दीक्षा जो भी हो पाता है जो भी संसाधन रूपांतर का है उसमें व्यस्त देने का प्रयास करता है। जब महाराज जी मुख्यमंत्री हुए तो ये प्रस्ताव हम लोग लेकर के वहां पहुंचे कि महाराज जी एक शोध पीठ की स्थापना विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। तो जब ये प्रस्ताव लेकर के पहुंचे तो हम लोगों को लगा कि
उनको डांट डांट पड़ेगी, भगा दिए जाएंगे, जो अवसर सबके साथ होता है। तो लेकिन हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी कि उसको बड़े ध्यान से उन्होंने सुना और जो हम मांगने गए थे उससे बहुत बड़ी चीज प्रयास शुरू हम लोगों के द्वारा किया गया था। मेरे विचार सुमित्रा सिंह जी को जानकारी होगी, महानवी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत कर दिया और 28 पद उसमें सृजित हुआ। जब कोई अब गोरखपुर आएगा, ये बहुत बड़ा काम है, जब कोई गोरखपुर आएगा योग अध्यात्म दर्शन की शिक्षा श्री गोरक्षपीठ से पाएगा और उसके वैज्ञानिक पहलू का दर्शन उसको ये महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ करने जा रहे हैं। प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा शुरू किए गए इस महायज्ञ में एक आरोप का काम करेगा और पता नहीं फिर वही मैं कहता हूँ ये संयोग है कि मुझे कार्य करने का अवसर मिला। उस गोरक्षपीठ का मैं विशेष कार्याधिकारी आदरणीय कुलपति जी द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। मेरी कोशिश है जब तक निदेशक में उसमें अपॉइंट हो जाए कोई तब तक उसको उसकी बिल्डिंग को उसके संसाधन को मैं काम करता हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ इस यज्ञ में कि मैं इसको चाहता हूँ।